हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी का महापौर योगी की लोकप्रियता का जलवा, पूर्ण बहुमत के साथ फिर बनेगी भाजपा की सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। सभी दलों ने अपने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं सर्वे एजेंसियों की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। लगभग सभी में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे अधिक दिख रही है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में शामिल अधिकांश लोग उनके काम काज से खुश नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि वे दोबारा यूपी की कमान उनके हाथों में देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होना है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में कुल 407 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,74,351 होगी और लगभग 15 करोड़ से अधिक मतदाता इस चुनाव में मतदान करने के पात्र होंगे। टाइम्स नाउ वीटो ओपिनियन पोल के चुनाव सर्वे के अनुसार भाजपा और उनके गठबंधन सहयोगियों को लगभग 212 से 231 विधानसभा क्षेत्रों में जीत की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 143 से 158 निर्वाचन क्षेत्र पर कब्जा करने का अनुमान लगाया है। वहीं बसपा 10 से 16, कांग्रेस 9 से 15, अन्य 2 से 5 पर कब्जा कर सकती है। एबीवीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश में किए गए चुनाव पूर्व हुए जनमत सर्वेक्षण के परिणाम में बीजेपी को इस बार 223 से 235 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं समाजवादी पार्टी को 145 सीटों से 157 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी के खाते में 8 से 16 सीटें जाती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को महज 3 से 7 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। जी न्यूज के ओपिनियन पोल से पता चलता है कि बीजेपी प्लस को 245 से 267 और एसपी प्लस को 125 से 148 सीटें मिलने की संभावना है। मायावती की बसपा 5 से 7 सीटों के बीच कहीं जीत सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटों के साथ समझौता करने की संभावना है। अन्य को 206 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के चुनावी सर्वे के अनुसार बीजेपी को 242 से 244 सीटें, सपा को 148 से 150 सीटें, बसपा को 4 से 6 सीटों पर, कांग्रेस को 3 से 5 सीटों पर और अन्य को 103 सीट के बीच जीत सकती है। रिपब्लिक भी मार्क ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव पूर्व जनमत सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को फिर विपक्ष में ही बैठना पड़ सकता है। सपा के खाते में 111 से 131 सीटें जाती दिख रही हैं। बीएसपी और कांग्रेस की स्थिति सर्वे में काफी खराब है। मायावती की पार्टी को महज 8 से 16 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 से 9 सीटें जाती दिख रही हैं। जागरूक टीवी की नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।